तो दोस्तों वापस जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ। यह वेस्ट साइड है मंदिर का, और यहाँ पे चाय का था। ये पार्किंग एरिया है, स्ट्रीट है। शाम को इधर आना पड़ेगा पॉप स्ट्रीट। किमची फ्राइड राइस भी सही लग रहा है, ये भी ट्राई करते हैं। एक खमेर रेड करी, ये लोकल फूड है। Do you have a stay also here? Stay? Oh. यहाँ पे स्टे के लिए भी ऑप्शन है दोस्तों, इनका स्टे रूम। व्हाट्स द स्टे रूम प्राइस? रूम टैरिफ? व्हाट्स द रूम टैरिफ? हाउ मच इज द रूम? $500? Yeah. 1 week? Okay, no, for one day? No, for 1 week, not just this one, it includes. Only week? Yeah. Oh. That include food or only stay? Include food. Two time food? Yeah, okay. Oh, good. Yeah. Very good. तो ये दोस्तों वेजिटेबल नूडल्स। तो दोस्तों खाना खा लिया है, नूडल्स मंगाया था वेजिटेबल नूडल्स। मैंने टोफू अवॉइड करने के लिए बोला था, मुझे टोफू पसंद नहीं है क्योंकि वो टेस्टलेस होता है। खाना खा लिया है, बेटर है। 10:30 बजे लंच हो गया है अभी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठा था। अभी हॉस्टल में जाके रेस्ट करता हूँ थोड़ा, 2-4 घंटा। धूप भी बहुत हो रखी है, हॉस्टल वॉक इन करके जाऊँगा यहाँ से। 1.6 किलोमीटर गेट पे द चेक, और फिर उसके बाद कुछ और प्लान करेंगे। पोईपेट यहाँ से, पोईपेट 2.5 घंटा है, 2.5 से 3 घंटा है, कुछ 100-150 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर। वहाँ पे कैसिनोज है, तो देखता हूँ अगर वहाँ पे मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, नॉट श्योर। क्योंकि टैक्सी कैसे मिलती है, बस का तो गूगल मैप पे तो कुछ दिखा नहीं रहा है, बस का कोई ठिकाना ही नहीं है। इधर लोकल बसेस भी नहीं चलती है, और लॉन्ग टूर बसेस चलती हैं, मतलब इंटरसिटी बसेस। अभी पोईपेट की बसेस कहाँ से मिलेगी, क्या है, वो सब देखना पड़ेगा, तो देखते हैं। तो $3 की हमारी बियर है, $4 का नूडल्स है, वेजिटेबल नूडल्स। टोफू की जगह मैंने वेजिटेबल मंगाया था, $60, मतलब हो गया 28,000 रियाल। तो खाना खा लिया है, बियर पी लिया है $60 में, और अभी जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ।
यहाँ से कुछ 17-18 मिनट का दिखा रहा है, 1.5 किलोमीटर है। आपको होम स्टे के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे भी क्रोज नेस्ट, ये भी होम स्टे जैसा लग रहा है। यहाँ पे भी एक होम स्टे है, यहाँ पे भी एक होम स्टे, निकास हाउस, नहीं वो होम स्टे नहीं है, ये तो होम स्टे, यहाँ पे बोर्ड भी डाला हुआ था, कमर्शियल है। तो मेरा एंकॉट मंदिर में आना जाना हॉस्टल से करीबन $5 का अराउंड पड़ गया, $5 में, एक्चुअली $2-2 में डील हुआ था, लेकिन वो आधा डॉलर जो 2000 रुपये मैंने 10,000 का नोट दिया था, 10,000 रियाल का, तो 2000 वापस नहीं दिया उसने, तो मतलब $2.5 हो गया। और मैंने भी मांगा नहीं, मैं बोला ठीक है, बंदा अकेला मुझे लेके जा रहा है, सोलो सवारी है, तो उसको भी कमाने को मौका दो। तो $5 में मेरा आना जाना हो गया है, और लोग $15-20 देते हैं उसका शॉर्ट टूर, लॉन्ग टूर, लॉन्ग टूर का तो और ज़्यादा है, $25-30 है। और मेरे हॉस्टल से भी कुछ $15-13 मिनिमम चार्ज था, जिसमें 3 लोग जाते थे उसी टुक टुक में, शेयरिंग टुक टुक में 1 से 3 लोग, तो मेरा हो गया $5 में आना जाना हो गया। मैंने एक ही एंकॉर वॉट, जो मेन टेम्पल है एंकॉर वॉट, वो किया है, बाकी टेम्पल्स की मुझे ऐसे नीड नहीं लगा कि मुझे जाना चाहिए, ये बहुत फेमस था तो मुझे जाना था, मेरे आइटनरी में था ये, और मेरे विश लिस्ट में भी था, बकेट लिस्ट में भी बोल लो, मतलब ये करना ही करना था, तो हो गया। दोस्तों थाईलैंड और कंबोडिया में ये फ़र्क है कि थाईलैंड थोड़ा अलग ही लगता है, फ्रीकीनेस है थाईलैंड में, ऐसा लगता है कि आप छुट्टियां मनाने आए हो। कंबोडिया का जो ये सियाम रीप है, ये सिटी अपना नॉर्थ के जो इंडिया के, जो नॉर्थ इंडिया के जो टाउन होते हैं, टीयर टू सिटीज़ बोल लो, जैसे वैसा लुक है यहाँ पे थाईलैंड जैसा, मसाजेस पब्स हैं, मसाजेस और आपके 7-Eleven, और मतलब फ्रीकीनेस है थाईलैंड में, एक थाईलैंड के काफ़ी शहरों में, काफ़ी आइलैंड्स पे फ्रीकीनेस है, ऐसा लगता है कि आप हॉलीडे मनाने आए हैं, यहाँ वो फील नहीं आ रहा है। यहाँ पे अलग ही, यहाँ हर सिटी का अपना एक अलग फील होता है, एक अपना ऑरा होता है, तो यहाँ पे ऐसा फ्रीकीनेस वाला फील नहीं है, यहाँ पे है मतलब कि आप कुछ मिशन से आए हो, कुछ मोटो से आए हो, वो वाला लग रहा है फील इधर, मतलब ऐसा रिलैक्स एंड चिल वाला फील नहीं है। ऐसी साइकिल आप ले सकते हो रेंट पे $4-5 में, और वो वाली साइकिल, लेडीज साइकिल जो है वो आपको $2, दैट वन इज $2, दैट वन $2, $2, एंड दिस वन $4, $4-5 डिस्काउंट, हाँ $5 बट यू डिस्काउंट $4, $2 ओके, नो दैट्स अ लेडीज साइकिल, दैट्स अ फॉर गर्ल्स, सिटी बाइक, एंड हाउ मच द बाइक, $10, दिस इज फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स, ओह $11, दैट्स अ बिग वन, दैट्स अ बिग, दिस फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स फुल डे, टुमारो टिल टुमारो $11, राइट, नो वन डे $10, ओके। यहाँ से बस है सियाम रीप से पोइपेट, 8 बजे, 9 बजे, 11:30 बजे मिनी बस, बिग बस $10-12, राइट, 3 आवर्स, मिनी बस $12, ओके, बिग बस $10, ओके, एंड टू कम बैक फ्रॉम पोइपेट, टू कम बैक फ्रॉम पोइपेट टू पोइपेट टू टू कम बैक फ्रॉम पोइपेट और बैंकॉक इज $20, पोइपेट टू सियाम रीप, सियाम रीप पोइपेट, हम्म, ओके, टू कम बैक मावे कम बैक बिग बस है, हम्म, बिग बस, बिग बस, ओके। Shop.
Tous les jours, all day. The tissue for 1 hour is $8. $8? Yes, 90 minutes is $5. It's what? For 90 minutes it's $5. $12? Yes. Can you give me 90 minutes $10? Sorry, sir, because we have this cover of day for the drive. Oh. Yes. My owner is set for the system or a day. Okay. Yes. But is a good lady, good massager, professional. Yeah. मैं ये डीप टिश्यू करवा रहा हूँ. ये डीप टिश्यू थोड़ा हार्ड होता है मसाज. 60 मिनट्स का $8 में हो रहा है. इंडिया का हो जाता है 640 रुपये, या आप लगा लो 650 रुपये. ये स्पा कैफ़े का नाम है द कंपूचिया. ये मेन मार्केट में ही है, जेंडो के सामने ही है. जेंडो करके एक शोरूम है, उसके सामने ही है. डीप कंपनी में ग्रीन टी लाया था, ग्रीन टी, और ये कोल्ड टॉवल है फ्रेश होने के लिए. बडवाइजर 1.15, कंबोडिया $1, कंबोडिया का सिंगा 1.1, चैन 1.2, Sapporo $2, Hoegaarden 1 डॉलर के आसपास ही है. पहले मैं 7-Eleven से ये बियर ले लिया $1.2 से, और ये भी $1.2. ट्यूना पाई है. ये इंडियन रेस्टोरेंट, होटल हैं, मसाजेस हैं. मसाज है. स्पा. दोस्तों हॉस्टल की तरफ हम लोग चल के जा रहे हैं. यहाँ से कुछ 700 मीटर है. 9 मिनट 8 मिनट दिखा रहा है अभी. 7-Eleven से 9 मिनट था एग्जैक्टली. टेम्पल मिनी मार्ट 24 आवर्स ओपन. मिल गए कपड़े. शाम का बज रहा है 7. कपड़े ले लिए, कल दिए थे कपड़े 24 घंटे में. 4 बजे मिलने वाले थे, लेकिन मैं आके रूम में सो गया था. सुबह 5 बजे उठा था और एंकोर वाट टेम्पल आज जाना था और गया भी था. तो फ्रेश हो गया हूँ अभी. नाइट लाइफ यहाँ पे इंजॉय करते हैं. आपको भी दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सीएम रिप का नाइट लाइफ. पब स्ट्रीट यहाँ से करीबन 900 मीटर ही है, जहाँ पे 7-Eleven में दोपहर को मैंने खाना खा, ये कुछ लिया था स्नैक्स. तो 900 मीटर 1 किलोमीटर ही है. कुछ 16-17 मिनट का वॉक है, तो 15 मिनट का वॉक है. तो जाते हैं अभी, तैयार हो. नूडल सूप है और टी भी मिल गया है. चलते चलते मैं आ गया था, तो इनकी यह शॉप है.
यहाँ पे मिल गया मुझे, चाय पीते हुए लोग दिख गए तो इन्होंने अपने इसमें से चाय पिला दी है, और जस्ट यहाँ से वॉक करते हुए ये मार्केट के पास ही है। हॉस्टल से निकल गया हूँ, 9:30 बज रहा है, थोड़ा पब स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि कल जाना है फ्लॉम फेन, आज है हम लोग सियाम रीप में। सुबह मंदिर कवर किया था एंकॉट वाट, और अभी जा रहे हैं पब स्ट्रीट कवर करने। पब स्ट्रीट is this a veg or non veg? Some meat, it's meat or vegetable? Meat. Some meat and vegetable. Huh? Some meat and vegetable. Highball. Vegetable, vegetable. Okay, okay. How much? The fried spring roll. Okay. Spring roll, okay, spring roll.
डीप फ्राइड स्क्विड स्क्विड रोल। Well, it's something like a Monday or maybe like a Tuesday. Really? I don't even know. Yeah, I went and tried to tell her that I love her and she told me you can find your way to the friend zone. It's whatever. I don't even care anymore. I just really want to be alone. My best friend keep on blowing up my phone trying to ask me if I'm good, man. What do you think? I mean, really, if I'm trying to be real, then I already know what it is. The best thing you could ever want to wish for at the best time of the year.